खबर यह है कि 9 हफ्ते बाद दुनिया में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। और खबर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का स्टेटमेंट आया। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर, केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों से देश भर में टेंशन। 24 घंटे में 22,064 नए मामले आए हैं, 128 लोगों की मौत की खबर है। केरल में स्थिति का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय टीम भी जाएगी। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह करेंगे 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय टीम कोरोना को काबू में करने की रणनीति बनाएगी। तो केरल में बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ी है, और केरल में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। हर दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद राज्य में 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। केरल में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां एक 6 सदस्यों की टीम भेजने का फैसला किया है। साथ ही एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज 6 सदस्यों की केंद्रीय टीम केरल पहुंचेगी। टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के 6 सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय टीम केरल में हालात का जायजा लेगी। केरल में हालात को देखते हुए 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे में केरल में 22,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं, साथ ही एक दिन में 128 लोगों की मौत हो गई है।